हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बेबी कैप्री विदाउट पॉकेट्स। ठीक है, कैप्री की मुझे कई बार रिक्वेस्ट आई है, तो आज मैं बच्चे की कैप्री बनाना सिखाती हूँ, जिसमें कपड़े लेने का नियम इस प्रकार है। जितनी बेबी के कैप्री की लेंथ प्लस 3 इंच, और बस खाली इतना ही चाहिए, क्योंकि चौड़ाई में हमें जो बच्चों की कैप्री डबल हो जाती है, तो चौड़ाई में हमें ज़्यादा कपड़ा नहीं चाहिए, मतलब लेंथ प्लस 3 इंच ही कपड़ा चाहिए। लेकिन अगर आप बड़े बच्चे की या बड़े आदमी की कैप्री बना रहे हो, तो उसके लिए हमें चाहिए लंबाई प्लस 4 इंच, और उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, क्योंकि अगर हम इसको 4 लेयर्स में फोल्ड करेंगे तो हमारे जो बड़ों के जो हिप्स हैं उनका मेजरमेंट सही नहीं आएगा। तो ये बच्चे की कैप्री है, जिसकी लंबाई है 11 इंच, आसन है 7 इंच, हिप है 28 इंच, और मुहरी हम इलास्टिक वाली बनाएंगे, तो ओपनली मुहरी लेंगे हाफ इंच का कर्व लगा करके, इसलिए मैंने मुहरी का नाप नहीं लिया है। तो सबसे पहले हम 11 में 3 इंच प्लस करेंगे और उसको काट लेंगे। 11 प्लस 3 विल बी 14 इंच। ये 14 इंच का निशान लगा करके हम इस कैप्री के लिए कपड़ा काट लेते हैं, और इधर से हम बच्चे का बाद में कमीज वगैरह बना चुके। ये कटिंग करने के बाद मैं आगे ड्राफ्टिंग बताती हूँ। और ये हमारा 4 लेयर्स में कपड़ा रखा हुआ है, बंद भाग मेरी तरफ है, खुला भाग इधर है। और ये 4 लेयर्स में कपड़ा कितना रखना होता है, जितनी हमारी हिप्स होती हैं उसका 1/3 प्लस 2 इंच। ठीक है, हिप का 1/3 प्लस 2 इंच। तो ये कपड़ा इतना हम फोल्ड करेंगे। उसके बाद हम आसन का लेंथ लेंगे। आसन है हमारा 7 इंच। 7 में हम नेफे के नाम का 1.5 इंच प्लस करेंगे, तो हो जाएगा हमारा 9 इंच। ठीक है, 9 इंच। और यहाँ से हम 1 इंच, क्योंकि बच्चे में है तो 1 इंच का ये क्रॉस लेंगे और ऊपर इसको ऐसे मिला देंगे। उसके बाद यहाँ से हल्की कर्विंग देके ये कटिंग कर देंगे हम। ये हो जाएगी हमारी ऊपर, ऐसे नेफा मुड़ जाएगा, और ये आसन की कटिंग। और यहाँ से हम बस खाली ये लाइन के साइड में कर्व करती हूँ, क्योंकि ये मेरा बचा हुआ कपड़ा था, तो इसमें मेरा इस तरह से ये बेबी की कैप्री की कटिंग हो जाएगी। ये हो गई बेबी कैप्री की कटिंग। अब इसको हम ऐसे खोल करके, जो आसन आसन में जैसे हम सिलाई लगाते थे, कम ज़्यादा करके ऐसे यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे, और इसमें गुम सिलाई दोनों आसनों में लगेगी। ये आसन की सिलाई लगाने के बाद मैं नेक्स्ट प्रोसीजर आपको बताती हूँ। आसन की ये गुम सिलाई लगाने के बाद हम इसको नेफे को भी ऐसे करके बारीक मोड़ते हैं, मतलब ज़्यादा चौड़ा नहीं, जिसमें हम केवल बारीक सी इलास्टिक डालेंगे। ठीक है, ये नेफा मोड़ने के बाद मैं आपको इसमें इलास्टिक डालना बताऊंगी। इस प्रकार हम नेफे को यहाँ से थोड़ा सा पक्का कर लेते हैं, और जब राउंड में आ करके हम वापस यहीं पर पहुँचेंगे, तो मैं इसमें यहाँ से इतना सा खुला छोड़ दूंगी इलास्टिक डालने के लिए। इलास्टिक के लिए ये मोड़ने के बाद मैंने ये देखो यहाँ से इतना इसको खुला छोड़ दिया, इसके बीच में मैं इलास्टिक डालूंगी। लेकिन इससे पहले हम इसकी ये लेग्स सिलेंगे, और ये भी गुम सिलाई में सिलते हैं। ये गुम सिलाई करना मैं आपको बता देती हूँ। इसको यहाँ से नीचे वाले जो हिस्सा होता है उसको थोड़ा सा ज़्यादा, और ऊपर वाले को कम करके हम पहले एक सिंगल सिलाई लगाते हैं, क्योंकि कैपरी में नीचे भी हमारे बिल्कुल धागे नहीं निकलने चाहिए। ये ऐसे पहले हम ये आसन से आसन की, मतलब ये क्रॉच लेंथ की जो लाइन है लेग्स की, ये लगाएंगे। ये तो सिंपल लग जाती है, ये सिंपल सिलाई कम ज़्यादा करके ये सिलाई लगाने के बाद हम इसके एक
मोहरी को ऐसे खोलते हैं और ध्यान रहते हैं कि ये मोहरी का दूसरा कपड़ा सिलाई में ना आए, और इसको ऐसे ये फोल्ड करके, जो ज़्यादा वाला हिस्सा है फोल्ड करके इसी के ऊपर ऐसे रखेंगे और इस साइड हम दूसरी सिलाई लगाएंगे ऐसे। ये धीरे धीरे लगती है, एकदम तेज नहीं। नीचे से कपड़ा हम ऐसे स्ट्रेच करते रहते हैं, इसको फोल्ड करके इसी के ऊपर ऐसे रखेंगे और ऐसे थोड़ी थोड़ी सिलाई लगाते हुए ध्यान देते हुए कि नीचे का जो दूसरा कपड़ा है वो इसके नीचे ना आ जाए। ये पूरी लेग में हम लगा देंगे। ये आसन की लेग की ये सिलाई लगाने के बाद सेकंड नंबर वाली, फिर हम इसको सीधी तरफ करते हैं और सीधी तरफ भी ऐसे आसन के बीच से निकालते हुए हम यहाँ से इसकी तीसरी सिलाई लगाते हैं। इस प्रकार से यहाँ से जैसे हम आसन क्रॉच लेंथ एरिया में लगाते हैं, ये सिलाई वैसी ही है लेकिन इसको ध्यान से लगाना पड़ता है। ऐसे इसको ऐसे सेट करके नीचे का कपड़ा इसमें भी नीचे नहीं आना चाहिए। इस प्रकार हम ये दूसरी लेग तक लगा देंगे सिलाई। ये हो गई हमारी आसन की भी दो सिलाई। इसको उल्टी साइड मोड़ने के बाद हम इसकी मोहरी में भी ऐसे इतना फोल्ड करके, मतलब हाफ इंच के करीब, और इसको ऐसे इतना जितना हमने नेफा मोड़ा है उतना ही इसको राउंड में जो है सिलाई लगाएंगे, और जब थोड़ी दूर आएंगे तो इतना सा हिस्सा हम जैसे हमने इधर छोड़ा था नेफे में वैसे छोड़ेंगे और इसमें हम इलास्टिक डालेंगे। और इलास्टिक जो है थोड़ी कम ब्रॉडर इलास्टिक डलती है, जो अपने मतलब लेग्स को सुविधा अनुसार मतलब टाइट रखे। ज़्यादा टाइट इलास्टिक बच्चों में हम नहीं डालते हैं। तो मैं ये सब मोड़ने के बाद, इसमें इलास्टिक डालने के बाद आपको इसकी एक पिक्चर अपलोड कर दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक नई कटिंग आसान तरीके से या एक नई स्टिचिंग आसान तरीके से समझाऊंगी। धन्यवाद।